So this is your credit from the stylized. So today we are going to start a new chapter. That name is, we have started this chapter, chapter number 4, the temperate zone. We have started this chapter, so now let's make the second part. We are going to make the second part from the third and the half page. So from the new topic, that name is the temperature zones. So now let's start. The Earth is only living planet in the entire solar system because of the favorable temperature conditions that prevail here. Means Earth एक पूरे solar system में से पूरे total eight planets हैं, उसमें से पूरा बस एक ही ऐसा planet है जो है Earth, उसमें ही सिर्फ life possible है, उसमें सिर्फ लोग possible, उसमें सिर्फ लोग रह सकते हैं, क्योंकि उधर का जो टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो फेवरेबल है. फेवरेबल मीन्स सुटेबल है उधर का टेम्परेचर, इसलिए जो पूरे एंटायर सिस्टम में से उधर ही रॉक ले सकते हैं. हाउएवर द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन. मीन्स इधर बताया गया कि जो उस जगह का जो तापमान होता है, उस जगह का जो तापमान होता है वो इस चीज पे डिपेंड रहता है कि सन से उसको कितनी मात्रा में गर्मी मिलेगी. द हीट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मीन्स जो हीट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती. मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मीन्स वो ऐसी नहीं बातें जाती कि इस प्लेस को इतनी हीट मिलेंगी, उस प्लेस को इतनी हीट मिलेंगी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती अर्थ में. While some places are hot, others are extremely cold. और कुछ कुछ places जो होता है वो hot रहता है और कुछ कुछ places बहुत ठंडे रहते हैं. So now next is the amount of heat received by the surface of the earth depends on an angle at which the rays of the sun fall on that surface. Means जो heat का जो amount रहता है, means heat की जो मात्रा रहती है वो उधर बता गया कि जैसे मान लो कि जैसे जो sun है, ये मान लो कि ये sun है, ये जो sun है ये earth पे अपना heat दे रहा है और ये अपनी earth पे वर्टिकली हीट दे रहा है. वर्टिकली मीन्स एकदम पूरा एकदम स्ट्रेट हीट दे रहा है सन एकदम स्ट्रेट हीट देगा तो फिर जो अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा होगा. मीन्स अर्थ की जो वो प्लेस होंगी वो बहुत गर्म होंगी और वो एकदम स्लांटिंग दे रहा है. स्लांटिंग मीन्स वो एकदम टेढ़ी लाइन से, वो एकदम स्लांटिंग एंगल से वो एकदम हीट दे रहा है तो फिर जो उधर का जो उस प्लेस जो होंगी वो इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी. मीन्स वो एकदम माइल्ड रहेंगी, मीडियम रहेंगी. The difference of temperature is due to the shape of the earth as well as the difference in the angle of sun rays as they reach the surface of the earth. Means ये जो temperature means तापमान में एकदम ऐसा difference रहता है. तापमान में ऐसी change क्यों रहती है? Means इस जगह का जो तापमान है वो ज़्यादा है, उस जगह का तापमान means उस जगह का जो temperature वो कम क्यों है? इस वजह से जो temperature होता है वो इतना change क्यों है? उसकी वजह से इधर बताया गया कि क्यों change है? क्योंकि जो अर्थ का जो शेप है, अर्थ का जो शेप पूरा एकदम अर्थ की जो शेप है वो एकदम थोड़ी सी टिल्टेड है. इसकी वजह से नाउ सेकंड पॉइंट है एज वेल एज द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ सन रेज. अभी बताया गया कि सन रेज के एंगल की वजह से, सन रेज का जो एंगल है वो वर्टिकली रहेगा मीन्स एकदम स्ट्रेट होगा तो फिर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट अर्थ पे पहुंचेगी और उसका जो एंगल होगा वो स्लांटिंग होगा तो फिर माइल्ड टेम्परेचर रहेगा, मीन्स मीडियम हीट पहुंचेगी. उसका जैसे सेकेंड पॉइंट है, सो टिल ओनली दिस ओनली टोटल दे आर सेकेंड टू पॉइंट्स. मीन्स टोटल दो ही पॉइंट्स ऐसे जिनकी वजह से जो टेम्परेचर पे ऐसा चेंजेस रहते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज, वी ऑल नो दैट द नून द टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड इट इज वेरी हॉट. मीन्स हमें पता है कि नून मीन्स दोपहर के जो 12 बजे है उतने में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है. मीन्स टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर बहुत गर्मी होगी. This is primarily because the sun rays fall almost vertically on the surface. ये टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो सन दिन में क्या होता है, दिन के 12 बजे जो सन रेज सन सूर्य की जो किरणें होती है वो अर्थ पे एकदम वर्टिकली पहुँचती है, मीन्स एकदम स्ट्रेट पहुँचती है.
When we go for a walk in the morning or evening, we feel the temperature is mild. Means जब हम लोग walk के लिए जाते हैं, walking के लिए, जब walk के लिए हम लोग जाते हैं morning में, सुबह या फिर शाम को, तो फिर हमें जो temperature, जो तापमान होता है, हमें ऐसा लगता है वो एकदम mild है. Mild means वो जो temperature है वो medium है. It is because the sun rays falling on the earth are at an inclined angle. ये हमें ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि जो सनरेज जो होती है वो अर्थ पे जब इंक्लाइंड एंगल पे आती है, इंक्लाइंड मींस एकदम स्लांटिंग एंगल पे आती है. सो नाउ नेक्स्ट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हीट जोन बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी इट रिसीव्स एट डिफरेंट प्लेसेस. मीन्स जो अर्थ का जो सरफेस है वो कुछ हीट जोन में, मीन्स कुछ हीट के मात्रा में कुछ वो डिवाइडेड है. अर्थ का जो सरफेस है कुछ हीट के मात्रा में वो डिवाइडेड है, और उन उन मात्रा उन वो जो जगह है अलग अलग, उनमें से जो कुछ कुछ में से वो डिवाइडेड है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग उधर का तापमान, मीन्स अलग अलग मात्रा में अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा की जो हीट होती है वो आती है उधर. नाउ फर्स्ट वन इज वो कुछ कुछ हीट जोन में डिवाइडेड है. फर्स्ट हीट जोन क्या है? फर्स्ट है टोरिड जोन. द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इज नोन एज द टोरिड जोन और द हीट जोन. मीन्स वो अभी द रीजन बताया गया है कि अभी टोरिड जोन कहाँ होता है. टोरिड जोन मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की. ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कितनी डिग्री है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की 23.5 डिग्री साउथ. इन दोनों जो लैटिट्यूड है, इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में जो जगह होती है वो होता है टोरिड जोन. ये है टोरिड जोन ही पूरा, और टोरिड जोन का दूसरा नाम भी है वो है हॉट जोन. So now next is the torrid zone extends over both the northern hemisphere and the southern hemisphere. Means जो torrid zone है वो north से लेकर southern hemisphere तक वो extend होता है. Means north से लेकर southern hemisphere तक वो है. It is also called the tropical zone. उसको एक और zone के नाम से बुलाया जाता है, वो है tropical zone. The sun rays fall vertically over the surface almost throughout the year. Means पूरे साल टॉरेड जोन में जो सन के सूर्य के जो किरणें होते हैं वो वर्टिकली आती है. मीन्स वो एकदम स्ट्रेट आती है, पूरे साल भर स्ट्रेट आती है सूर्य की किरणें. देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन द क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. मीन्स पूरे साल भर उधर का जो क्लाइमेट रहता है वो ज्यादातर बदलता नहीं है. नाउ नेक्स्ट हीट जोन इज द टेम्परेट जोन. The region between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle 66.5 degree in the Northern Hemisphere and the Tropic of Cancer 23.5 degree south and the Antarctic Circle 66.5 degree south in the Southern Hemisphere are known as the Temperate Zone. Means अभी आप इधर देख सकते हैं कि जो place means ये line देख सकते हैं Tropic of Cancer की 23.5 degree north ये line है, और अभी नेक्स्ट लाइन है आर्टिक सर्कल की. आर्टिक सर्कल की आप इधर लाइन देख सकते हैं. आर्टिक सर्कल के इन दोनों के बीच में जो जगह होती है इस जगह को हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की है, और ये है आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल. तो फिर इन दोनों के बीच में जो प्लेस आती है, जो जगह आती है, वो है टेम्परेट जोन. So now next is this zone experiences mild temperature as the sun rays fall on the earth surface at an angle throughout the year. Means इस zone, ये temperate zone का temperature कैसा है? Temperate zone का temperature mild है. Means temperate zone का तापमान वो है medium है, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो उस जगह पर एक angle पे आती है. इसलिए एंगल पे आती है, मीन्स एकदम स्टैंडिंग एंगल पे भी हो सकती है, और अलग अलग एंगल पे आती है. इसलिए उधर का जो टेम्परेचर है, उस जोन का जो टेम्परेचर है वो है माइल्ड टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर है पूरे साल भर में. द डेज आर लॉन्गर ड्यूरिंग द समर मंथ्स व्हाइल द नाइट्स आर लॉन्गर इन द विंटर मंथ्स. मीन्स समर के सीजन में जो डेज होते हैं वो कैसे होते हैं? दिन होते हैं वो लॉन्गर रहते हैं, मीन्स बड़े होते हैं. और अभी विंटर के सीजन में जो नाइट होती है, विंटर के सीजन में जो रात होती है वो भी बड़ी होती है. अब नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टास्टिक. सो नाउ लेट्स रीड द फैक्टास्टिक. इंडिया इज सिचुएटेड एंटायरली इन द नदर हेमिस्फीयर. मीन जो इंडिया है वो पूरी तरीके से नदर हेमिस्फीयर में है. द लोअर हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लाइज इन द टोरिड जोन एंड द रेस्ट इन द टेम्परेट जोन.
मीन्स इंडिया का जो नीचे का जो पार्ट है, लोअर जो पार्ट है, नीचे का पार्ट वो टॉरिड जोन में है, लेकिन जो उस लोअर पार्ट को छोड़ के जो पूरा जो पूरा जो इंडिया है वो पूरा टेम्परेट जोन में है. सो नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड वन हीट जोन इज द फ्रिजर जोन. सो नाउ लेट्स रीड दिस जोन. द रीजन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल 90 degrees north in the northern hemisphere and between the Arctic Circle 66.5 degrees south and the South Pole 90 degrees south in the southern hemisphere is known as frigid zone. मीन्स अभी आप इधर देख सकते हैं कि ये जो आर्टिक सर्कल की लाइन है और ये जो नॉर्थ पोल है नॉर्थ पोल की लाइन है. तो फिर जो आर्टिक सर्कल जो है वो ये लाइन है और नॉर्थ पोल आर्टिक सर्कल और जो नॉर्थ पोल के बीच में जो प्लेस होती है उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं. और अभी सदर हेमिस्फीयर में साउथ में यहाँ पे देख सकते हैं अंटार्कटिक सर्कल की लाइन है और ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल की लाइन. तो फिर इन अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो प्लेस आती है उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज The sun rays fall at a sharp angle throughout the year. Means जो सूर्य की जो किरणें आती है फ्रिजिड जोन पर वो sharp angle पे आते हैं. Means वो भी एक sharp angle पे आती है, इसलिए means पूरी तरीके से नहीं आती, बहुत कम आती है उधर, इसलिए पूरे साल भर उधर बहुत एकदम साल भर में पूरे साल भर उधर की जो सन रेज सूर्य की जो किरणें होती है उधर sharp angle पे आती है. This makes the frigid zone extremely cold all year round. Means इसकी वजह से पूरे साल में पूरे साल भर जो frigid zone होता है उधर बहुत ठंडी होती है. So till here we will make the part 2. Now the chapter is complete. So thank you for watching this video. Please like, share, subscribe channel. Thank you for watching. Bye bye.